press the bell icon on YouTube app, and never miss another update. पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2019 का चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के ऑफिशियल मोबाइल ऐप के यूजर्स का डेटा थर्ड पार्टी को भेजने की रिपोर्ट जिस तरह से सामने आ रही है, उसे देखते हुए मोदी की यह बात सच लग रही है। राजनीतिक पार्टियां जिन डिजिटल हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कर रही है, वही अब लोगों के लिए खतरा बनते जा रहा है। अमेरिकी चुनाव से उड़ी डेटा चोरी की आंधी अब भारत की राजनीति तक पहुंच गई है। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर यह आरोप लगा रही है कि वह जनता को बिना बताए उनका डेटा कंपनियों को बेच रही है। मामला तब गर्म हुआ जब कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा अमेरिका में चुनाव और लोगों के डेटा के साथ छेड़छाड़ करने की घटना सामने आई। इसके बाद अब भारत की बड़ी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही डेटा चोरी करने के आरोप लग रहे हैं। फ्रांस के एक सिक्योरिटी रिसर्चर जिसे एलियट एडरसन के तौर पर जाना जाता है, उसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमो मोबाइल ऐप बिना लोगों की अनुमति लिए अमेरिका स्थित थर्ड पार्टी कंपनी को यूजर्स का डेटा भेज रही है। ट्वीट की एक सीरीज में एल्डरसन ने कहा कि थोड़ी छानबीन करने के बाद पाया गया कि इस डेटा ट्रांसफर का फायदा मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्लेवरटेप को पहुंच रहा है। आपको बता दें कि एडरसन वही शख्स है जिसने भारत के सबसे बड़े नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट आधार में खामियों का खुलासा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल ऐप नमो ऐप यूजर्स से स्मार्टफोन में इंस्टॉल होने के लिए 22 तरह के परमिशन को हासिल कर रहा है। इतनी परमिशन दूसरे किसी भी ऐप के लिए कभी नहीं मांगी जाती है। इस ऐप के बारे में अगर विस्तार में बताई जाए तो इस ऐप के जरिए प्रधानमंत्री से सीधे मैसेज और ईमेल आएगा। इसके अलावा यूजर्स प्रधानमंत्री के ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं और रेडियो शो मन की बात को सुन सकते हैं। एंड्रॉइड पर इसके 50 लाख डाउनलोड्स हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का ऑफिशियल ऐप यूजर्स को कांग्रेस के साथ कनेक्ट करता है। यह यूजर्स को विभिन्न सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स के जरिए नियमित रूप से अपडेट देता है। आपको बता दें कि इससे पहले की ज्यादा जानकारी मिलती, कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल ऐप गूगल के प्ले स्टोर से हटा दिया है। अब आइए हम आपको इस बात का विश्लेषण दिखाते हैं कि भारत में आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है ये ऐप्स। जितना आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक है भारतीय ऐप। डाटा प्राइवेसी कंसल्टेंसी एरका की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत के ऐप यूजर्स से 7.9 खतरनाक परमिशंस मांगे जाते हैं, जो कि अमेरिका के ऐप्स से भी ज्यादा है। खतरनाक परमिशंस में कैलेंडर, SMS, कॉल लॉग्स, स्टोरेज, माइक्रोफोन से लेकर रिकॉर्ड ऑडियो का इस्तेमाल, शेयरिंग लोकेशन इन्फॉर्मेशन, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी डिटेल जुटाने का एक्सेस शामिल है। यह एक्सेस यूजर्स की डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे पहले बीजेपी फिर कांग्रेस पर लगा डेटा चोरी का आरोप। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि नमो ऐप के जरिए यूजर्स की डिटेल अमेरिकी कंपनियों को पहुंचाई जा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि हाय, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। जब आप मेरे ऑफिशियल ऐप के लिए साइन अप करते हैं तो मैं आपका डेटा अमेरिकन कंपनियों में अपने दोस्तों को दूंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के IT सेल हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की ऑफिशियल ऐप का डेटा सिंगापुर की कंपनी को पहुंचाया जा रहा है। मालवीय ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए साइट के डिस्क्लेमर की तस्वीर शेयर की और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा कि वह थर्ड पार्टी के साथ डेटा शेयर करने की मंजूरी मांग रहे हैं। मालवीय ने ट्वीट में लिखा कि हाय, मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। जब आप हमारे ऑफिशियल ऐप पर साइन अप करते हैं तो मैं आपका डेटा
सिंगापुर में अपने दोस्तों को दूंगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कहां यूज हो रहा है आपका डेटा। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल के मुताबिक डेटा मार्केट का डेटा ज्यादातर कंपनियों और रिसर्च फर्म या बड़ी पीआर एजेंसियां यूज करती हैं। हालांकि डेटा का सोर्स ज्यादातर टेक कंपनियां होती हैं। फेसबुक को पता है कि आप क्या शेयर कर रहे हैं, गूगल को पता है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, अमेजोन को पता है कि आप क्या खरीदते हैं। यहां से डेटा खरीदने वालों को पता होता है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या खरीदना चाहते हैं, किस राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करते हैं और इसी के आधार पर आपसे ट्रीट किया जाता है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।